सिंह यूनिवर्सिटी के तरफ से करीब 2 से 3 ऑफिशियल नोटिस और 5 से 6 जो है पेपर कटिंग शेयर करने वाले हैं। तो बने रहें हमारे इस वीडियो पे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को दबा कर लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, कंसेप्ट हो, बोर्ड हो, जेई नीट हो, पढ़ाई में किसी भी प्रकार का डाउट हो, उसका सलूशन है फिलो ऐप। जो भी डाउट आ रहा है, सबसे पहले उसका 3 स्टेप में सलूशन ले सकते हैं। सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले से या ऐप स्टोर से फिलो ऐप। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना होगा। उसके बाद उस क्वेश्चन का फोटो खींच लेना है या लिख लेना है टाइप करके। 60 सेकेंड में आपका जो इसका सलूशन मिल जाएगा लाइव क्लास के साथ। इस कोड को यूज कीजिएगा तो 10% का छूट मिलेगा और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि बहुत से दोस्त लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर आप जो है वीडियो को बहुत बड़ा यानी कि बहुत लंबा बनाते हैं, ज़्यादा मिनट के बनाते हैं, ठीक है, तो आप शॉर्ट वीडियो बनाइए। और कुछ लोग का यह कहना है कि सर जो है आप पूरे तरीके से जो है नहीं पढ़ के बताते हैं। अगर पूरे तरीके से पढ़ के बताएंगे दोस्तों तो वीडियो ऑटोमेटिक है कि वो लंबा ही होगा, वीडियो बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो भी इच्छा हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लॉन्ग वीडियो चाहिए या शॉर्ट वीडियो कमेंट करें और हम जो है उस पर कल से जो है वीडियो उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से आप बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं पहले ऑफिशियल नोटिस की ओर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है पेपर कटिंग आ चुका है। इसमें लिखा है विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों के साथ छात्र छात्राओं को अवगत कराने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय के 3मासिक समाचार पत्र न्यूज लेटर यहाँ पे देख सकते हैं प्रकाशित किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए 3मासिक समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु कुलपति के आदेश प्रो विकास शर्मा आचार्य अंग्रेजी विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के समयावधि नियुक्ति किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए प्रो विकास शर्मा आचार्य और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी विभाग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ आवश्यकता अनुसार उपयुक्त कार्य जो है यहाँ पे हेतु सदस्यों का चयन करेंगे। तो ये रहा दोस्तों फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल नोटिस, देख लीजिए। और इसको आप देखिए शॉर्ट हम इस ज़्यादा पढ़ के इसीलिए नहीं सुनाते हैं कि आप वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं ऑफिशियल नोटिस टू में। ऑफिशियल नोटिस टू में यहाँ पे आप देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है जिसमें लिखा है वर्ष 2020-21 का डाटा जो है DCF यहाँ पे देखिए इस पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिकता जो है श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये भी ये इसमें बताया जा रहा है कि जो भी 2020 से 21 सेशन में उनका डाटा जो है अपलोड किया जाएगा अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के संबंध में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2020 से 21 फिर 22 से 23 वाले का उन सभी का जो है स्थानों का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए यानी कि 22 से 23 वाले का नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए 22 से 23 हेतु कट पाठ्यक्रमों में कोई भी प्रवेश अनुमान नहीं होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हैं आप लोग इसको वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं ताकि जल्द वीडियो जो है शॉर्ट बन सके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसको वीडियो को पॉज करके हम सिर्फ ऑफिशियल नोटिस आप सभी के सामने शेयर कर देते हैं। एक और ऑफिशियल नोटिस है, हम इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो, लेकिन मेन मुद्दा क्या है वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें परीक्षा केंद्रों पर CCTV यानी कि ऑडियो सहित एवं अन्य परीक्षा केंद्र हेतु मानक की व्यवस्था किए के जाने संबंध में यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से 2021-22 में सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा यथाशीघ्र जो है आयोजित होने का प्रस्तावित यहाँ पे है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और CCTV कैमरा के बारे में इस ऑफिशियल नोटिस में बता रहा है। तो आप लोग अगर इससे रिलेटेड है मतलब इस जानकारी को अच्छे से प्राप्त कर लें ताकि किसी प्रकार का परेशानी ना हो, तो आपका एग्जाम जो होगा वो CCTV कैमरा के निगरानी में होगा। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से कहा गया, ठीक है। अब चलिए इसको चलते हैं पेपर कटिंग की ओर। पेपर कटिंग में देख सकते हैं बैक एक्सेस श्रेणी सुधार की परीक्षा अक्टूबर में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हैं अच्छे तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट है दोस्तों UGC
नेट जो होता है तो उसका दाखिला के लिए जो आज से कॉलेजों में करनी होगी रिपोर्ट, तो ये यूजीसी नेट से रिलेटेड है। तो अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है इसको पढ़ सकते हैं। और आगे की यहाँ पे हर कॉलेज को करना होगा MOU। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्यादेश कॉलेजों में किया जा रही है, और यहाँ पे बताया गया परीक्षा के लिए दिए निर्देश। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, सभी छात्र छात्राओं को अर्जित करने होंगे कोर्स में क्रेडिट, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आईटीआई में छात्रों के लिए शुरू होंगे ड्रोन कोर्स। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ड्रोन कोर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ये दोस्तों बता दें कि आईटीआई शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 वाले के लिए यहाँ पे न्यू जो कोर्स हैं वो ओपन होने जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, इग्नू में जो है 2022 सत्र में दाखिले के लिए 10 तक करें आवेदन, यानी कि आवेदन स्टार्ट है। किसमें आवेदन स्टार्ट है यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, 10 फरवरी तक जो है आवेदन स्टार्ट है। किस वेबसाइट पर से आवेदन करना है, कौन कौन कोर्स के लिए आवेदन करना है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है UG, फिर PG, डिप्लोमा, ये सब सर्टिफिकेट के लिए आपको अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इस वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देख सकते हैं, देखने को मिलेगा। आप डाउनलोड यहाँ पे जो है विजिट करके जो है आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अब हर महाविद्यालय को करना होगा MOU साइन। एक बार फिर से आप सभी के सामने देख सकते हैं, आ चुका है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से मोस्ट समझौता। तो लाइव देख सकते हैं, हम आप सभी से कहना चाहेंगे दोस्तों कि जो भी हम पेपर कटिंग शेयर कर रहे हैं उसको उस पेपर कटिंग को पॉज करके वीडियो को पढ़ लें, समझ लें। और यहाँ पे देखिए लास्ट में है ऑनलाइन शिक्षण की होगी मॉनिटरिंग। तो 9वीं यानी कि यूपी बोर्ड की तरफ से जो ये अपडेट आया है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। ठीक है, अगर पूरे तरीके से बारीकी से हम आपको पढ़ के बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ध्यान रहे दोस्तों, फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जानकारी था हमने आपसे के सामने शेयर कर दिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और बता दें कि आपको शॉर्ट वीडियो डेली वाइज चाहिए या लॉन्ग वीडियो, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट डे से जो भी आप कमेंट करेंगे उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, तो बने रहें हमारे इस चैनल पे और वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर, धन्यवाद।